हेलो मेरे दोस्त, ये कैसे हैं आप सब। नमस्ते फायर थान, नमस्ते दोस्तों। जैसे कल वाले वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को टुनेट अपडेट दिया था, सुबह सुबह ये टुनेट अपडेट आया है कि नहीं आया इसे चेक करने के लिए मैंने गेम को ओपन कर लिया, और देखते ही देखते गेम के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल चुका है यहाँ पे अपना ईवो बंडल। यार देखने में काफी ज्यादा औसम तो लग ही रहा है, लेकिन इसको लेने के लिए अभी कितना डायमंड देना पड़ेगा ये हम में से किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि फेडल हुई के अंदर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेसिक सा बंडल मिलेगा जो कि आप सभी को कुछ इस प्रकार का के लिए मिलने वाला है। लेकिन जब हम लोग इसको कस्टमाइज करेंगे, जब हम लोग इसको इसके पीक फॉर्म में लेके जाएंगे, तब हमारा कितना डायमंड लगेगा। पीक फॉर्म मतलब गाइस आप देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस प्रकार का लुक की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ से बंडल चला जाएगा यहाँ तक, ठीक है, इतने डायमंड के अंदर इसका जो लुक है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, और साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग को अमेजिंग इमोट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। नीचे आप लोग देख ही सकते हैं इमोट्स को, इसको लेकर के एंड तक मैं आप लोगों के सामने सारा कस्टमाइजेशन करके दिखाऊंगा, और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता लग ही जाएगा। अगर आप लोग भी अपने अपने बंडल को निकाल के अपग्रेड करने का ट्राई करो तो आपको कितना डायमंड लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने फेडेड व्हील के तरफ, और वहीं पे जा करके हम लोग सबसे पहले स्पिन मार लेते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। तो कस्टमाइजेशन है, फिर ट्रेलर वाले ऑप्शन से हम लोग सीधा आ चुके हैं अपने फेडेड व्हील के अंदर, जहाँ पे हम लोग को किसी भी दो अनवांटेड चीजों को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बैकपैक को सिलेक्ट किया, उसके बाद सरबोर्ड, इन दोनों ही चीजों को हम लोग से रिमूव करके 9 डायमंड का स्पिन मार लिया। तो देखते हैं गाइस 9 डायमंड का स्पिन में हम लोग को इधर से क्या मिलता है। ओके, हम लोगों को इधर से एक गन का क्रेट मिल चुका है, जो कि बहुत ज्यादा गंदा तो नहीं है, 9 डायमंड में तो यही मिलेगा। लेकिन अब देखते हैं 19 डायमंड में हमें क्या मिलता है। ओ भाई साहब, कांग्रेचुलेशन हुआ आ गया, वो भी नॉर्मल सी प्लान के ऊपर। पता नहीं ना वाले इधर कौन सा सस्ते ने से करके बैठे हैं। ओके तो 39 डायमंड का हम लोग इधर पे स्पिन मारते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ओ भाई, जो प्लान मिला था ना थोड़ा पहले, ये उसी का ही सर्ट है। क्या बात कर रहा है। चलिए आगे हम लोग स्पिन मारते चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं हम लोग को कितना स्पिन के अंदर ये वाला बंडल नसीब हो जाता है। इधर पे हम लोग को मिल चुका है मैजिक फ्रैगमेंट्स, जो कि किसी को भी नहीं चाहिए। अगेन हम लोग को इधर से डायमंड वाले वाउचर मिल चुका है। भाई तो यहाँ पे बंडल लेने के लिए आया था, पर क्या क्या चीजें हम लोग को इधर पे मिल रहा है आप लोग देख ही सकते हो। मतलब ये कि कुछ ना कुछ अच्छा अगर आप लोगों को चाहिए तो बहुत सारे बुरी शक्तियों का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो लास्ट बुरी शक्ति तो यही यार गैलेक्सी एवरॉन पेड का स्किन, ठीक है, इसको हम लोग ओके कर लेते हैं। और एंड में जा करके हम लोगों को 499 डायमंड देने के बाद ये बंडल का बेसिक वर्जन मिल रहा है गाइस। जो चलिए इस वाले वर्जन को भी हम लोग क्लेम कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक वर्जन हम लोग कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिल रहा है। बट हम लोग बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे और सीधा चलेंगे इसको कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। और कस्टमाइज करके मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कस्टमाइज करने पर मेरे को यहां पे कितना डायमंड देना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड वाला बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल दीजिए। बेसिक वर्जन आप लोग देख सकते हैं, इमोट वगैरह मार के मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक वर्जन के साथ ही शोबाजी कर रहा हूँ। यहाँ से सबसे पहले हम लोग जाएंगे लैब वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है लैब, उसके बाद ट्रेलर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर भी हम लोग टैप कर लेंगे। FFWS गैलेक्सी ये भी हमारे सामने निकल के आ चुका है, तो इसको भी हम लोगों ने क्लेम कर लिया। गाइस बंडल यहाँ पे अनलॉक हो चुका है, पर बाकी सभी चीजों के ऊपर ना ताला लगाया हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है बंडल का सबसे पहला अपग्रेडेड वर्जन। 100 टोकन्स देना पड़ेगा इसके लिए, ऑरेंज वाले के लिए 160, पर्पल वाले के लिए 160 और रेड वाले के लिए भी 160, ठीक है। और नीचे भी आप लोग देख सकते हो कितने सारे आप लोगों को कस्टमाइजेशन करने का मौका भी दिया जाता है, जैसे कि आप लोग किसी भी इमोट को ले सकते हो। यहाँ पर से स्पेशल इफेक्ट जो दिए गए हैं इनको आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिए। यार एक काम ही करते हैं, देखना दिखाना रहने ही देते हैं, सीधा सीधा हम लोग डायमंड का बर्बाद ही करते हैं, और देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है यहाँ पे। 1500 डायमंड का 160 टोकन्स, भाई तो गलत बात हो गया ना। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। यहाँ पे लिख रहा है कि 500 डायमंड का बर्बादी करने पर मुझे 100 डायमंड की छूट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों? यहाँ पे तो 1500 डायमंड लिख रहा है ना, तो मैं काम करता हूँ, सीधा सीधा इसको गिरा के 500 डायमंड तक ले आता हूँ, फिर 100 डायमंड का वहां से मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा, और 500 डायमंड जब करूंगा तब 100 डायमंड का और मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसे कैसे करके, ठीक है। जब 1500 डायमंड का मैं यहाँ पे बर्बादी करूंगा तो 300 डायमंड का मेरे को यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत तेज है तुम्हारा।
हाँ, तेज दिमाग से तेज बुद्धि से जो आइडिया निकला है उसका हम लोग अभी लाइव एप्लीकेशन करेंगे और देख सकते हो मेरे को 500 डायमंड के अंदर 7 टोकन मिल चुके हैं। ठीक है, अगर मैं बिना डिस्काउंट का जाता तो मेरे को 600 डायमंड देना पड़ता। ऐसे में हिसाब किताब को रखते हैं थोड़ा सा साइड में और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे को यहाँ पे 7 टोकन मिल चुके हैं, लेकिन बंडल्स वगैरह को लेने के लिए मुझे और भी ज्यादा टोकन की जरूरत पड़ेगी। नीचे का जो माल है मतलब स्पेशल इफेक्ट वगैरह ये तो मुझे काफी सस्ते पड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो बंडल है ऊपर यार वो तो एकदम खून पी जाने वाले डायमंड्स को बर्बाद कर देगी मेरी। चलो कोई ना, मैं अपने आप ही बर्बाद होना चाहता हूँ तो मैं इधर पे अपने डायमंड्स को बर्बाद करके इन बंडल में से किसी भी एक बंडल को क्लेम करने का जरूर से जरूर ट्राई करूंगा। यहाँ पे टोकन बॉक्स को थोड़ा सा ट्राई करते हैं ना। उधर से हम लोगों ने सीधा खरीद के देख लिया, अब थोड़ा सा टेढ़ा वाले रास्ते पे जाते हैं। ठीक है, और इधर पे देखते हैं हम लोग को ज्यादा डायमंड लगता है कि उधर पे ज्यादा डायमंड लगता था। तो यहाँ पे हम लोग 21 इसका 740 डायमंड लग रहा है, थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है। ठीक है, और ओपन करते हैं बॉक्स को, देखते हैं हम लोग को इधर से क्या मिलता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे टोकन्स मिल चुके हैं, देख सकते हो पर बॉक्स हम लोग को 4, 3, 5 ऐसे करके टोकन मिल रहे हैं। किसी भी बॉक्स में एक एक टोकन नहीं मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, इधर पे वही सीन, 4, 5, 3 ऐसे करके हम लोग को टोकन मिल रहे हैं, एक टोकन कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। पर फिर भी अगर हम लोग देखा जाए तो इधर पे मेरे पास 139 टोकन हो चुके हैं, जबकि अगर मैं इस वाले सेक्शन से अनलॉक करने को जाता तो मेरे को थोड़ा सस्ता पड़ता। ठीक है, यहाँ से थोड़ा महंगा पड़ गया जो टोकन बॉक्स होता है। तो इधर पे हम लोग नहीं जाएंगे, वापस से अपनी पुराने वाले टेक्निक के ऊपर जाएंगे और नीचे से हम लोग इसको अनलॉक करेंगे। आप लोग भी याद रखिएगा, जब भी आप लोगों को अनलॉक करना है तो नीचे से आकर के अनलॉक करना है। टोकन बॉक्स के ऊपर जाओगे तो थोड़ा ज्यादा डायमंड देना पड़ेगा। तो बातों बातों में ही मैंने वो सारे टोकन को खरीद लिया है जो मेरे को चाहिए थे, और ऊपर देख सकते हो मेरे पास अभी 191 टोकन हो चुके। तो मैं चाहूं तो किसी भी बंडल को ले सकता हूं, पर सबसे ज्यादा मुझे पसंद आ रहा है ये पर्पल वाला बंडल, क्योंकि इसका लुक ही कुछ और निकल के आ रहा है। ये जो 100 टोकन्स का है इसको तो हर कोई ले पाएगा ना, पर ये जो पर्पल वाला बंडल है ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि रेयर होगा आगे चल करके, तो मैं पर्पल वाले को ही लेने का ट्राई करता हूँ इधर से। ले गाइस, अनलॉक के ऊपर यहाँ पे हम लोग टैप कर लेते हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बंडल जो है पूरी तरीके से ओपन होकर आ चुका है। इक्विप भी कर लेते हैं गाइस। ठीक है, इसी के साथ हम लोग स्पेशल इफेक्ट भी लेने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ऊपर आप लोग देख सकते हो अभी मेरे पास 31 टोकन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो नीचे के पार्ट के अंदर से स्पेशल इफेक्ट में कोई भी आइटम को हम लोग ले सकते हैं। मेरे को पर्सनली ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, जब दौड़ूंगा तो मेरे पीछे से कुछ ऐसा इफेक्ट निकल के आएगा। अब आप लोगों को दिखा देता हूं कि बैटल ग्राउंड के अंदर जब मैं गेम प्ले कर रहा हूं इस बंडल को लेकर के, तब यहां पे कैसा इफेक्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, बंडल तो मैंने क्लेम कर ही लिया है, मैंने परचेज किया था पर्पल वाला, और पर्पल वाला के साथ बैटल ग्राउंड के अंदर किस टाइप का लुक निकल के आ रहा है उसे भी आप लोग देख सकते हो। और मैं जब रनिंग कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं गेम के अंदर, भाग रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पीछे से कुछ इस प्रकार का जो इफेक्ट आ रहा है ना, दौड़ने वाला इफेक्ट, तो इसको मैंने वो 30 टोकन देकर के बाद में खरीदा था, ये भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। हम लोग बाकी बात करते हैं बाद में, मैं मिलता हूं आप सभी से किसी ना कुछ शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से खेलते रहो, अपने सारे एनिमीज को मारते रहो, जैसे यहाँ पे मैं एनिमीज का सफाया कर रहा हूँ।